मैंने पिछले साल एक गाना लिखा था, बहुत ही साफ सुथरा और अच्छा गाना था। इन साल भी लिखा हूँ, पिछले साल लिखा था कि हरि रंग सतरंगी भइल रूपवा तोहारबा, लागे खूबसूरत कौनो आइल त्योहारबा, हरि फाग फागुन के निकलल कौनो मुहूर्त लगेला, तहरा गलिया पाया बिरिया बड़ी खूबसूरत लागेला। ये गाना मैंने पिछले साल लिखा था। अच्छा, आपका जो ये गाना जो आप लिखते हैं, तो अभी तक कितने सिंगर गा चुके हैं भोजपुरी के? वैसे वास्तविक में देखा जाए तो आपका तो बहुत बड़ा बवाल हो चुका है बीच में। वैसे देखा जाए तो कभी खेसारी के, कभी अपने देश पांडे के लेके। सबसे बड़ी चीज है ना कि अगर कोई तेजी से आगे बढ़ता है तो उसके पैर खींचने वाले बहुत लोग होते हैं, और कोई नहीं चाहता है कि हम लोग जो भोजपुरी पे राज कर रहे हैं तो कोई नया लड़का आए। और रिकॉर्डिंग वायरल होते हैं सर, आपके रिकॉर्डिंग्स वायरल होते हैं? रिकॉर्डिंग वायरल होते हैं, वीडियो वायरल होते हैं। लेकिन जो पब्लिक है ना, ये भगवान है और पब्लिक को सब कुछ पता है। अच्छा, अभी कितने अपने गाना गाए हैं और कितने गाना लिखे हैं? गाना तकरीबन तो 700-800 लिखी दिए हूँ, 700-800 गाना लिखे होंगे, 1000 के आसपास। गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं। हाँ, देखा गया है। मेरा अभी तक गाना जितने भी भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, मान लीजिए हमारे बड़े भैया खेसारी भैया भी गाते हैं, छोटा भाई जो हमारे सिटी के हैं, हमारे होम टाउन के हैं, बक्सर के, कल्लू जी, अभी आज हम लोग होली मिलन में अंकुश राजा आए थे, अंकुश राजा भाई, गुंजन सिंह जी गाते हैं, रितेश पांडे भी पहले गाते थे, सनी कुमार सनिया हुए, विशाल गगन हुए, रंजीत सिंह हुए, विकास, निखिल, सोना, निशा, जितना भी, अब तो हमारा खुदे ही याद नहीं है, बहुत सारा। उसके बाद में खेसारी भैया बहुत फेवर में रहेगा, मतलब खेसारी भैया, खेसारी भैया गाना जो गाओ तो मैं हिट है। मैं देखिए, ये नहीं है कि उनको मैं गाना लिखता हूँ तो इससे मैं खेसारी भैया का सम्मान करता हूँ। मुझे लगता है कि खेसारी भैया जैसे अगर भोजपुरी में 3-4 स्टार हो जाए तो हमारी भोजपुरी हद तक बहुत आगे जाएगी और बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि वो एक इंसान के जो बाहर दिखते हैं वो अंदर भी है। हम लोग पीछे, पर्दे के पीछे भी हम लोग, ऐसा नहीं है कि वो पर्दे पे ये बातें बोलते हैं, सामने पब्लिकली ये बोलते हैं और बंद कमरे में वो दूसरी बातें, वो बंद कमरे में भी हम लोग के पास बैठते हैं तो वही भाव, वही प्रेम, एक मिट्टी से जुड़े हुए। मुझे जब भी मैं मिला हूँ उनसे, मुझे इस बात का कभी रिलाइज नहीं हुआ कि मैं खेसारी लाल यादव धनलक्ष्मी बोलते हैं तो बोलते हैं धनलक्ष्मी आप तो कभी भी जवाब नहीं दिया। बिल्कुल, हमेशा पंडित जी आ गए धनलक्ष्मी हो गए मान ले तो। हाँ, ब्राह्मण को वो बहुत इज्जत करते हैं, सारे वर्ग के लोगों को। ब्राह्मण और धनलक्ष्मी बहुत फर्क होता है, बात समझिए। हाँ, बोलते हैं, क्या बोलना चाहता हूँ, बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं कि बाबा आप हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, लकी हैं, हमेशा बोलते हैं और बहुत प्यार करते हैं मुझे। और खेसारी भैया का मैं बहुत बड़ा फैन था, मैं गाना लिखने से पहले भी उनका बहुत बड़ा फैन था, क्योंकि हम लोग इस इंडस्ट्री में हम लोग। अच्छा, एक बात पूछना चाहेंगे आपसे, धनलक्ष्मी का मतलब क्या होता है आपके लिए? धनलक्ष्मी का मतलब वो इतना सम्मान, मान सम्मान ब्राह्मणों को देते हैं। आप तो मतलब खेसारी भैया बहुत सम्मान करते हैं ब्राह्मण लोग, ब्राह्मण कुल के लोग को, क्योंकि खेसारी भैया से जब मिला लखनऊ में, मैं लहंगा लखनऊआ गवाने गया था तो खेसारी भैया मेरा पैर छुए गाना गाते समय, तो हमने बोला कि भैया ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं आपसे छोटा हूँ और कद पद दोनों में छोटा हूँ। तो भैया बोले कि बाबा रही बात तो मैं ब्राह्मणों की इज्जत इसलिए करता हूँ कि जब मैं गरीब था, मेरा कुछ नहीं था, तो मैं ब्राह्मण लोग के घर पे दूध देता था और मुझे ब्राह्मणों से इतना प्यार मिलता था। मैं जब गरीब था तो जब भी जाता था दूध देने तो मुझे खाने को लोग देते थे, बहुत प्यार करते थे। तो एक जो लगाव होता है ना, वो बोला है हम लोग से, इसलिए हम लोग ब्राह्मण जाति के लोग को बहुत मानते हैं। मतलब सुनने में तो ये है कि जब से आप जुड़े हैं तो आपके लक्ष्मी है आपके लिए तो। हाँ, थोड़ा सा तो ये है कि जब से जुड़े हैं खेसारी भैया, तो सबसे बड़ी चीज है कि मेरे जुड़ने ना जुड़ने से उस इंसान का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आता है कि भैया आप जब से जुड़े हैं, पब्लिक बोलती है, लेकिन खेसारी लाल यादव एज ए सुपर स्टार 10 साल से है
और भोजपुरी पे एक छत्र राज करते हैं और आजीवन करेंगे महादेव से, भगवान से यही का कामना है। धन्यवाद आपका, करते हैं, पूजा करेंगे, अब इसी का पूजा करते हैं आपको, चलिए।